Hello dears, welcome to channel Land Surveying and Drafting. AutoCAD Civil 3D Field to Finish का lesson 6 है आज. इस lesson में जो चीज हम पढ़ेंगे वो है description key set. कि Civil 3D में description keys को किस तरह और क्यों यूज किया जाता है. हम जब भी कोई as-built वगैरह लेते हैं, कोई topographic survey करते हैं, तो हम अपने data के साथ मुख्तलिफ code यूज करते हैं. जैसे देखें, ये मेरे पास एक file है जिसमें एक कोड हमने यूज़ किया LP, लाइट पोल, TR, ट्री के लिए हमने कोड यू है, फिर SWMH, FSMH, इसी तरह डिफरेंट कोड है मेरे पास TEL, TR. तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे तमाम जितने पॉइंट हैं, कि हमारा लाइट पोल जो है वो जब हम इंपोर्ट करें उसका स्टाइल डिफरेंट हो, ये जो SWMH स्टाम वाटर मेन होल दिया हुआ है ये हमें डिफरेंट स्टाइल में नज़र आना चाहिए, ट्री जो है वो ट्री के स्टाइल में नज़र आना चाहिए. इसी तरह जितने भी आपने कोड दिए हुए हैं, आप चाहते हैं कि वो सारे डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के साथ आपके पास डिस्प्ले हों, उस चीज़ के लिए हम सिविल 3D में डिस्क्रिप्शन की यूज़ करते हैं. डिस्क्रिप्शन की के लिए आप टूल स्पेस के सेटिंग्स टैब में जाएंगे. सेटिंग में पॉइंट कैटेगरी, ये प्लस के साइन पर क्लिक करें. यहाँ पे ही आपके ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन की सेट्स. ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये सिविल 3D के नाम से एक सेट ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिविल 3D में अवेलेबल है. अगर आप नया बनाना चाहते हैं, आप ये डिस्क्रिप्शन की सेट को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और न्यू. यहाँ पे इसको ये जो भी आप नेम देना चाहें ओके कर देंगे. ये देखिए यहाँ पर की सेट ऐड हो चुका है. अब अगर आपने इसमें की एडिट करनी है, इसे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, एडिट कीज, और यहाँ पे आप जितनी की चाहें क्रिएट कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी की क्रिएट की हुई है, सिर्फ एक की मैं क्रिएट करूँगा ताकि आपका की क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. तो मैं ये सिविल 3D वाले को एडिट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, एडिट कीज. सबसे पहला कॉलम आपका है कोड. जो भी कोड आपने अपनी फाइल में यूज़ किया है वही कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे. दूसरा आपका आता है स्टाइल, कि आप अपना जो पॉइंट है उसके साथ कौन सा स्टाइल यूज करना चाहते हैं, पॉइंट स्टाइल आपका. फिर है पॉइंट लेपल स्टाइल, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे. फॉर्मेट में जैसे देखें यहाँ पे हमने FH दिया है. अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्राइंग में भी सिर्फ ये चीज डिस्प्ले हो FH, तो फॉर्मेट में आप डॉलर साइन स्टार रखेंगे. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा फायर हाइड्रेंट आपने ड्राइंग में डिस्प्ले करना है, तो फिर आप यहाँ पे डॉलर साइन स्टार के बाद वो नाम लिख देंगे, तो आपका ये जो कोड है आपके ड्राइंग में पूरी डिस्क्रिप्शन जो भी आप फॉर्मेट के कॉलम में लिखेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले होगी, ये कोड डिस्प्ले नहीं होगा. लेयर जो भी आप रखना चाहें, स्केल पैरामीटर 1 रखेंगे. अगर आपने डिफरेंट पैरामीटर यूज़ किए हुए हैं तो फिर आप यहाँ से पैरामीटर चेंज कर सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मली ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे ही रहता है. ये जितने ऑप्शन हैं फिक्स्ड स्केल पे आप रखेंगे. यूज ड्राइंग स्केल 9 पे रहेगा. अप्लाई XYZ, ये ऑलमोस्ट जितने ऑप्शन हैं ये सारे आपके मार्कर के मुतल्लिक हैं, कि आपका मार्कर रोटेशन, मार्कर फिक्स रोटेशन, लेबल रोटेशन, लेबल फिक्स रोटेशन, तो ये सारे बाई डिफ़ॉल्ट और जो वैल्यू 0 हैं वो 0 पे रहेंगी, अनलेस आप अपने मार्कर को या अपने लेबल स्टाइल को रोटेट करना चाहें. लेकिन कोशिश करें सिंपल रखें, क्योंकि अगर आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो गलती कम होगी. आप चीज़ों को जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. तो अब हम एक नई की क्रिएट करेंगे, उसके लिए किसी भी एक की को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और न्यू. ये देखें यहाँ पे नई की ऐड हो चुकी है. नेम हमने चेंज करना है, वहाँ पर क्लिक करके हमारा कोड था TEL लिख के हम स्टार दे देंगे. स्टार से आपके ये फ़ायदा होगा, अगर आपने TEL के बजाय गलती से टेलीकॉम भी लिख दिया हुआ है तो ये स्टार आपके बाकी जो करेक्टर हैं जो आपने TEL के बाद दिए हैं उनको रीड करके उस आपकी डिस्क्रिप्शन को भी इसी कोड के अंडर ले आएगा. स्टाइल चेंज करने के लिए देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये बॉक्स अनचेक है. तो पहले इस बॉक्स को चेक करेंगे, जैसे ही उसमें ग्रीन टिक आ गया है, अब अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास पॉइंट स्टाइल का जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया है. तो टेलीकॉम के लिए जो मैं ऑप्शन रख रहा हूं वो मैं ये
कैच बेसन का ऑप्शन रख रहा हूँ क्योंकि बाई डिफॉल्ट सिविल 3D में टेलीकॉम का जो पॉइंट स्टाइल है वो अवेलेबल नहीं है, आप चाहें तो अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो कैच बेसन मैंने सेलेक्ट किया है, ओके। पॉइंट लेबल स्टाइल में मुझे सिर्फ इसके साथ डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन ओनली करता हूँ, ओके। फॉर्मेट सेम रहेगा, लेयर मैं इसकी चेंज कर देता हूँ। देखें लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि पहले मैंने ये बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ से जो भी हम लेयर रखना चाहें, अगर आपने अपनी लेयर बनाई हुई है आप वो यूज कर सकते हैं, नहीं आप यहाँ से न्यू लेयर भी बना सकते हैं। तो मैं ये एक मेरे पास कोई भी एक लेयर है मैं इसको दे देता हूँ, ओके। बाकी चीज़ें बाई डिफॉल्ट रहेंगी और ये ग्रीन चेक पे क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन की आपका डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। अब हम अपने पॉइंट इंपोर्ट करेंगे। ये फाइल है हमारी। पॉइंट इंपोर्ट करने के बारे में ऑलरेडी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट कैसे इंपोर्ट करनी है, डिफरेंट फाइल को किस तरह इंपोर्ट करना है। अपना डिजायर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। डायलॉग बॉक्स को बंद कर दें, जी इंटर ई इंटर, ये हमारे पॉइंट आ चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे तीन डिफरेंट पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। ट्री, इसके साथ ट्री का सिंबल शो हो रहा है। लाइट पोल, देखिए उसके साथ लाइट पोल का सिंबल शो हो रहा है। जबकि ये हमारा ग्राउंड शॉट का पॉइंट था, इसके साथ कोई कोड नहीं था, ना ही हमने इसकी डिस्क्रिप्शन की बनाई थी। तो ये देखिए ये जो डिफॉल्ट पॉइंट स्टाइल है ये उसमें शो हो रहे हैं। इसी तरह फायर हाइड्रेंट के साथ मैंने फायर हाइड्रेंट का साइन दिया था, देखिए यहाँ पे हाइड्रेंट शो हो रहा है। टेलीकॉम के साथ हमने कैच बेसन का साइन दिया था, तो देखें इसके साथ ये कैच बेसन शो हो रहा है। अगर स्केल को छोटा करते हैं, देखिए अब क्लियर हो गया, ये पॉइंट ग्राउंड शॉट का था, उसकी कोई कोड या डिस्क्रिप्शन नहीं था, तो वो बाई डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है। जबकि वो पॉइंट जिनके हमने डिस्क्रिप्शन की दिए थे उनका जो पॉइंट स्टाइल है वो भी डिफरेंट है और उनका जो लेबल स्टाइल है वो भी डिफरेंट है। अब आपने डेटा इंपोर्ट कर लिया लेकिन आप अपनी किसी की को एडिट करना चाहते हैं, तो आप वापस हम जाएंगे सेटिंग टैब, पॉइंट कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन कीज सेलेक्ट करके राइट क्लिक, एडिट कीज। जैसे मुझे ये जो फायर हाइड्रेंट है इसके साथ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट नंबर, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन चाहिए। यहां से मैं इसको चेंज करता हूं, पॉइंट एलिवेशन डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करके ओके, इसको बंद कर देंगे। लेकिन ये देखिए यहां पे चेंज नहीं हुआ है, यहां पे अभी भी सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही शो हो रहा है। तो उसके लिए प्रोस्पेक्टर टैब में जाएंगे, पॉइंट ग्रुप्स, इसको एक्सपेंड करें ऑल पॉइंट, इसको क्लिक करके सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और अप्लाई डिस्क्रिप्शन कीज। देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए ये चेंज हो गया है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन की चेंज तो हो गई थी लेकिन अप्लाई नहीं हुई थी। तो जैसे ही हमने यहां से आके अप्लाई किया, देखें इसका जो लेबल स्टाइल है वो चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था डिस्क्रिप्शन की का वीडियो। इसके बारे में कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।